शिक्षकों की कठिनाइयां हैं उस पर भी ध्यान देंगे, लेकिन उसके बाद अगर उस स्कूल की व्यवस्था ठीक ठाक नहीं हुआ तो फिर जो जनता ने हमें अधिकार दिया है, जो जिम्मेवारी दी है, तब फिर हम आगे कदम बढ़ाएंगे। और अगर कठोरता से भी आने की ज़रूरत होगी तो उससे भी पीछे हम नहीं आएंगे, क्योंकि हम इस क्षेत्र की शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहते, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर तो है लेकिन पठन पाठन बिल्कुल चरमराए हुए, मेरी पहली प्राथमिकता। की दूसरी प्राथमिकता जो शिक्षा का ही शिशुअवस्था है, आंगनबाड़ी केंद्र, उनको भी ठीक करना, उनके आंगनबाड़ी केंद्रों तक पहुंचना, और यह अभियान मेरा फरवरी से प्रारंभ हो, एक एक केंद्र तक पहुंचेंगे, सेविका सहायिका तमाम लोगों से बात करें कि भाई इन चीज़ों को ठीक करो। आपकी जो कट मनी ली जाती है CDPO और ऊपर के पदाधिकारियों द्वारा, उसे तो हम बंद करा दें, लेकिन आपका 7% डिलीवरी उन महिलाओं के हाथ में, उन बच्चों के हाथ में पहुंचना चाहिए जो सरकार द्वारा आपको उपलब्ध कराया जाता है, दूसरा ये। तीसरा हमने कहा कि जन जो कमज़ोर वर्ग के लोगों के लिए सुविधाएं मुहैया है उसको दुरुस्त करेंगे, ये तीन है। और इसके साथ साथ हमने जो चौथा निर्णय किया है कि शासन प्रशासन को जनता के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह बनाने का प्रयास करें, और क्षेत्र का शासन प्रशासन तो वही ब्लॉक है, वही थाना है, जिला तो बाद में आता है, तो भाई प्रखंड मुख्यालय संवेदनशील हो। आज गरीब लोग महीनों का चक्कर लगाते हैं, बेचारा वृद्धा पेंशन के लिए एक वृद्ध महीनों का चक्कर लगाता है, और उसका एक छोटा सा किरानी अपनी कलम से उसको परेशान किया जाता है एक कोमा और फुल स्टॉप के लिए, भैया चीज़ दूर हो, ये मेरी पहली प्राथमिकता होगी कि शासन प्रशासन थानेदार पुलिस छोटी छोटी चीज़ों में लोग परेशान करता है, भाई नियम कानून कायदे तो हैं लेकिन पहले तो संवेदना है कि कोई आया है आपके पास दुख की घड़ी में तो आप उसके दुख की घड़ी में सहजता से शामिल होइए, तो ये मेरी प्राथमिकता होगी। और विकास के जो हमारे फोकस होंगे वह फोकस यह होगा कि जो सिंचाई की सुविधा हम प्रयास करेंगे कि अपने विधायक मत के भी 90% राशि को इस बार सिंचाई के क्षेत्र में खर्च करें, 90% राशि, अन्य सरकार की योजनाओं में भी सिंचाई को प्राथमिकता दिलाने का प्रयास करेंगे। और मेरी पहली प्रायोरिटी होगी कि खेतों तक पानी पहुंचे, पीने की पानी की व्यवस्था दुरुस्त हो, और वैसे पूरे राज्य में सैकड़ों पीने की पानी की व्यवस्था होगी हजारों, लेकिन सब रिफंड है, मृत प्राय है, उनको पुनर्जीवित करना, लोगों को पीने की पानी की सुविधा, खेतों तक पानी की सुविधा, इन कामों को इस बार हमने प्रायोरिटी से सोचा है करने का। और सबसे जो मुख्य है, जिस जल रहा है और राजनीतिक दल जलाने के प्रयास कर रहे हैं वोट के खाते, हम उससे अछूता रखना चाहते हैं अपने क्षेत्र, लोगों से बातचीत करके डायलॉग के माध्यम से कि भाई इस फेरे में मत पड़ो, यह हिंदू मुसलमान का झगड़ा, आदिवासी गैर आदिवासी का झगड़ा, आदिवासी गैर क्रिश्चियन क्रिश्चियन का झगड़ा, ये तमाम चीज़ें राजनीतिक रोटी सेकने के लिए लोग करते हैं, अवेयरनेस पैदा करना, जागरूकता पैदा करना, और वो अपने संगठन के माध्यम से कार्यकर्ताओं के माध्यम से हम करेंगे कि लोग नौजवान जागरूक हो जाए, उनके बहकावे में ना आए, एक राम मंदिर का नारा देकर के आपस में लड़ाने का प्रयास, अभी CAA के माध्यम से जो लड़ाने का प्रयास है, इन तमाम चीज़ों से लोगों को सावधान प्रयास करने का प्रयास करेंगे कि भाई लोग मेरा क्षेत्र और यह क्षेत्र मॉडल बने, ताकि दूसरे क्षेत्र में लोग जाके देखें कि नहीं भाई पुड़ियाहट विधानसभा अपने आप में अद्वितीय है, इन चीज़ों से अछूता है, इस प्रकार का काम करने का यह मेरी प्रायोरिटी होगी। और ये हमने इस बार संकल्प लेके रखा है। और अंत में, बेरोजगारी तो पूरी दुनिया की समस्या है, रोजगार के अवसर तो केवल मेरे हाथ से हो नहीं सकता, ये तो सरकार चाहेगी तब होगा, उन चीज़ों में हम बहुत कुछ कर नहीं सकते, फिर भी प्रयास करेंगे कि क्षेत्र में उस प्रकार की योजना है, इन तमाम
या जो पांचवी हमारी पारी है यादगार पारी बनाने के लिए इन तमाम कामों को हम करते हैं।